हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट टू को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने अक्टूबर मंथ तक वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और वहाँ पे अभी नवंबर मंथ चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का जो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो यहाँ पे आई आइकन है ना, उस आई आइकन से भी आप डायरेक्टली उन सारे वीडियोस के लिंक पे जा सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर, इन दोनों में से किसी एक जगह में भी अगर आप जुड़ जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ डायरेक्टली सही टाइम पे अवेलेबल होगा, जैसे यहाँ पे वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश होती है। क्योंकि होता है कभी कभी कि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन देने में लेट हो जाती है, या हमारे बहुत सारे फ्रेंड है ना, वो बेल आइकन दबाना भूल गए हैं। तो ऐसे क्या होता है, नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आता है तो उनको लगता है कि सुबह का वीडियो और 2 घंटा या शाम को आता है, और एक एक करके वो अपने मतलब जो पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। तो ये सब में अगर आप बने रहेंगे तो आपको एग्जैक्टली सही टाइम में सब कुछ मिल जाया करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमेशा की तरह एक मैप क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है कि आइडेंटिफाई द अरब नेशन विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री दैट टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फॉर ईयर 2020। तो ये जो ना, ये अरब नेशन कौन सा एक बना है जो कि पहला कंट्री बन गया है G20 का प्रेसिडेंसी लेने में, तो है सऊदी अरबिया। ठीक है, ये अरब का पहला कंट्री है जो कि इस मतलब G20 का पहला मतलब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। ठीक है, कब करेंगे, 2020 का, कब, तो नवंबर 21st और 22nd में। तो ये किन से लिए है, ये जापान से लिए है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 का जो G20 का समिट था वो ओसाका जापान में हुआ था। तो अब उन्होंने उनसे लेके अब 2020 का वो खुद करेंगे, कहाँ पे, अपने कैपिटल रियाद में। ठीक है, ये उनका सऊदी अरबिया का कैपिटल हो गया। थोड़ा आसपास के लोकेशन भी देख लेते हैं, तो जैसे ये हो गया इराक हो गया, यहाँ पे जॉर्डन है इधर, उसके अलावा इजिप्ट भी है, उसके अलावा इस साइड में आपको यमन, ओमन, यूएई, बहुत सारे कंट्रीज है जो इनको सऊदी अरबिया को टच करते हैं बीच में, क्योंकि सऊदी अरब आता है। ठीक है, तो ये सारे आसपास की चीज भी आपको थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। ये आपको ये मक्का मदीना जो बोलते हैं ना, मक्का और ये मदीना जो कि बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड में, तो ये सब भी सऊदी अरबिया में ही आपको मिलेगी। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करिए कि ये मक्का मदीना किससे नजदीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये रेड सी के नजदीक है, अगर क्वेश्चन दे दिया मक्का मदीना पर्शियन गल्फ के नजदीक है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ के तहत में डिवोर्स क्या क्या बेसिस पे किया जा सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अचानक ये डिवोर्स से रिलेटेड क्यों हम डिस्कस कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा काम हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 142 का यूज कर लिया है उन्होंने एक डिवोर्स के केस में, इसीलिए ये चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये 142 का यूज हुआ तो इसलिए हम लोग इसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि इरिट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए इस ये डिवोर्स को ग्रांट किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इरिट्रिवेबल ब्रेकडाउन, तो ये तब होता है जब दो हस्बैंड और वाइफ, मतलब एक हस्बैंड जो एक कपल हुए ना, वो एक दूसरे को ने साथ आगे और नहीं बिताना चाहते हो जिंदगी, तब जाके वैसे सिचुएशन में वो विलिंगली एक दूसरे को मतलब डिवोर्स देना चाह रहे हैं, तब वो डिवोर्स दे सकते हैं ऐसे के लिए। बट ये जो केस है ना, ये इरिट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसके बारे में आपको कहीं भी मतलब हिंदू मैरिज एक्ट या आपको आपको सेक्शन स्पेशल मैरिज एक्ट, इन दोनों में एक्ट में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है कि ये कंडीशन पे आपको डिवोर्स ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जब किसी लॉ में लिखा ही नहीं है तब उन लोग डिवोर्स कैसे लेंगे, वो कोई रीजन ही उनके पास नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट बीच में आते हैं और इस अपने जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ना, उसका यूज करते हुए आप न्याय दे, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाते हैं। क्यों, आपने सुना होगा जैसे अयोध्या केस से रिलेटेड भी कि इतना हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू बोर्ड की तरफ से कुछ आ रहा था, मुस्लिम बोर्ड की तरफ से, इतने सालों से सब कुछ चले जा रहा था, कोई एक मतलब बीच के राह में कोई आ ही नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि दोनों किसी एक्ट से वो मिल ही नहीं रहे थे, वो डायटी से रिलेटेड था, यहाँ पे लॉर्ड रामा से रिलेटेड था, इधर उनके बाबरी मस्जिद से, तो कुछ भी एक प्लेटफॉर्म में कोई आ ही नहीं रहा था। तब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, सारा चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 यूज किया और उस जगह में ये किया। ये केस और भी जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का यूज किया गया था, ताकि कैसे करके जो भी पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द फंड रिलीज किया जाए। तो उन्होंने सेंट्रल और स्टेट को दोनों का ही फटकार लगाई थी उस वक्त। ठीक है, तो ये सब हुआ कुछ इस आर्टिकल 142 और ये ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में। अब थोड़ा जान लेते हैं ये जो दो एक्ट ना, हिंदू मैरिज एक्ट और
आपको स्पेशल मैरिज एक्ट इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले स्पेशल मैरिज एक्ट आया था जो कि 1954 का है और ये 1955 का है, ठीक है। तो ये स्पेशल आपको हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना, इसका जो सेक्शन 13 है ना, उसमें आपको सारे चीज लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे क्या हो सकता है मैरिज, मतलब तो आप डिवोर्स से रिलेटेड क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर जिसे मतलब खुद से, अगर जिसे हस्बैंड अगर वाइफ को छोड़कर किसी और लेडी के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स रखते हैं, तब उसे सिचुएशन में क्या होगा, वाइफ अपील कर सकते हैं डिवोर्स से रिलेटेड। वही कस वाइस वर्सा भी लागू होगा, अगर वाइफ किसी और मतलब मेल के साथ अगर कुछ इंटरकोर्स करते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में मेल भी वहां पे जो भी हस्बैंड है वो जाके डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्रुएल्टी से रिलेटेड अगर रीजन हो तो भी डिवोर्स के लिए किया जा सकता है। डिसर्शन, मतलब अगर 2 साल से ज्यादा अगर यदि हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं है तब भी ये किया जा सकता है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि ये सारे चीज जो भी है ना, ये एकदम अगर इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड अगर यदि हो रहे तब भी जाके मतलब शादी से रिलेटेड कुछ भी हो जो कि एकदम डिवोर्स का एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रहा हो, जैसे डिसर्शन क्रुएल्टी का, तो वैसे सिचुएशन में तो हो जाएगा। बट ये जो इनरेट्रिवेबल जो ब्रेकडाउन है ना, इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ है इस एक्ट में, तो इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा ये जो दोनों एक्ट है इसमें कहीं पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट एक चीज एक बात बोल रहा है कि ये केस तब आखिर बना क्यों, जब ऐसा एक्ट था ही नहीं तभी अचानक इतने दिन से, और ये सुप्रीम कोर्ट को पास कैसे कैसे ये क्या ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने आर्टिकल 142 यूज किया, उसके बाद उन्होंने अपना एक तरह से ये दिखाया कि हम ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में करते हैं, पर ये इस बार इसलिए करें क्योंकि जरूरी है इंसाफ दिलाना, ताकि उन भले ये 2 व्यक्ति की बात है बट ताकि वो फ्यूचर में अपना पीसफुली लाइफ आगे बिता सके, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाह रहे तब ऐसे सिचुएशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी के टाइम में अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो कोर्ट ने ये भी बोला कि नॉट ओनली द कंटिन्यूटी ऑफ दिस मैरिज फ्रूटफुलनेस बट इट इज कॉजिंग फर्दर इमोशनल ट्रॉमा, जो मैंने बोला कि इमोशनल ट्रॉमा और ये सब क्रिएट कर देगा, अगर उन लोग को मतलब डिवोर्स लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तब वो लोग कैसे करके आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज की वजह से वो देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया। जैसे कि आर्टिकल 41 142 के बारे में बोला कि ये कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज का इस तरह से काम करता है, एक बहुत ही यूनिक पावर है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मैंने बोला वही सब चीज है। तो ये 142 और ये जो इन रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन से रिलेटेड ना, मतलब इस ब्रेकडाउन से रिलेटेड लॉ कमीशन है उनके द्वारा भी काफी बार सजेशन दिया गया कि प्लीज आप लोग इनको ना, आप ये जो हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इसमें आप कुछ लेके आइए इनके साथ कुछ क्लॉजेस, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ देखा गया है कि सभी को जरूरत पड़ रहा है बट उनके पास कोई लॉ ही नहीं है जिससे वो डिवोर्स के लिए और आगे बढ़ सके, ठीक है। अगला टॉपिक है सेंटर स्टॉप्स ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन। तो सेंटर ने क्या किया, मेडिसिन का जो ऑनलाइन सेलिंग चल रहा था ना उसको अचानक स्टॉप कर दिया। क्यों कर दिया, तो ये हाल ही में ऐसा हुआ कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को ही फटकार लगाया कि ये जो आप सबसे पहले ऑनलाइन जो ड्रग्स का जो सेल किया जा रहा है उसको बंद कर लिया। क्यों, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट के ही ऑर्डर से सेंट्रल ने ये डिसीजन लेने का भी सोचा, ठीक है। ऐसा नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट अभी दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो 2018 के दिसंबर में ही दे दिया था कि आप ये जो इलीगल सेलिंग से रिलेटेड है उसको फटाफट बैन करिए और यहाँ पे ऐसा ऑनलाइन में फंडा आप मत रखिए, ठीक है। तो एक्चुअली ये ऑनलाइन ये जो भी हो रहा है ये कैसे करके बेचा जा रहा था, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड आप बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जहाँ पे मेडिसिन आपको ऑनलाइन ही मिलता है, तो ये सब कैसे कर रहे थे, तो ये जो ऑनलाइन फार्मेसी चल रहा था ना ये बिना किसी लाइसेंस, मतलब ड्रग लाइसेंस का तो चाहिए ना, आप जैसे आप फार्मेसी किसी जाओगे ना, फार्मेसी जो भी आपके आसपास वाले हैं तो वहां पे आप जाओगे तो उन लोग के पास एक फार्मेसी से रिलेटेड अपना जो भी है खोल के रखे हुए ना केमिस्ट का, तो उनके पास एक ड्रग लाइसेंस है तब जाके वो बिजनेस कर पा रहे हैं, ठीक है, अपना वो शॉप रख पा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन जो कर रहे हैं इनके पास तो कोई ड्रग लाइसेंस नहीं है, तो वो कैसे करके वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे करके सेलिंग कर रहे हैं, और बिना किसी रूल्स एंड कोई बिना कोई रूल वगैरह कुछ भी फ्रेम नहीं किया हुआ, क्योंकि लाइसेंस ही नहीं है तो रूल कैसे फ्रेम हुआ। तो ये सब वजह से ये बोला जा रहा है कि इंडिया में तो कोई इससे रिलेटेड कुछ रूल्स ही नहीं है, ठीक है। तब क्या हुआ, इसी के कारण एक PIL फाइल किया गया कोर्ट में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने बोला PIL में कि आप जो ये ऑनलाइन इलीगल सेल चल रहा है ना ये जल्द से जल्द बंद करवाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ड्रग अब्यूज हो रहा है और मिस यूज हो रहा है, जिसके वजह से एडिक्टिव हो जा रहे हैं और हैबिचुएटेड हो जा रहे हैं काफी लोग, क्योंकि ये इजिली आप ऑनलाइन यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिए और वो क्या होता है तुरंत आपको घर में डिलीवरी दे देगा, तो इससे क्या होता है आप एडिक्टिव, थोड़ा सा भी अगर सर्दी हुआ आप फटाक से कोई ना कोई दवा लेके आप ऑलरेडी रखे यूज कर रहे हैं,
तो ये सब अपने मन मौज ही हो गया और ये एडिक्टिव, मैंने एक तरह से बहुत पैंडेमिक के तरफ लेके जा रहा है। तो ये सब सिचुएशन के लिए पीआईएल फाइल किया गया, ठीक है। पीआईएल मतलब क्या हुआ, जो कि पब्लिक, जो पब्लिक के हित में लिया हुआ गया हो कुछ स्पेशल डिसीजन, कुछ ऐसा जो कि जरूरी है, जैसे इसको फुल फॉर्म हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इसलिए न्यूज रहता है अक्सर, को भी इस तरह का जब बहुत मास गैदरिंग के लिए कुछ आप डिसीजन ले रहे हो ना, कुछ स्टेप ले रहे हो ना, तो वैसे चीज में पीआईएल फाइल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये पीआईएल और भी एक बात बोल रहा है कि सिंस अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है कंट्रोल करने का सेल ऑफ मेडिसिन ऑनलाइन, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी हेल्थ ऑफ और पीपल का जो लाइफ है ना, वो एकदम क्या किया जा रहा है, हाई रिस्क में आप डाल रहे हैं। उसके अलावा आप जो भी सेफ्टी जो है ना आर्टिकल 21 के तहत जो बोला जाता है कि आपको राइट टू लाइफ, हेल्दी लाइफ, ये सब जो बोला जाता है, तो ये सबको आप एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं अगर आप इस ऑनलाइन जो ड्रग का सेलिंग है ये बंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीज पीआईएल में डाल के हाई कोर्ट में अप्लाई किया गया, ठीक है। तब उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि जो भी ई फार्मेसी कोर्ट है ना, उन्होंने कोर्ट को क्या बोला कि हम ना कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एज दे डू नॉट सेल देम, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि हम सेलिंग का काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे दुकान खोल कर रखे हैं और आप मेरे को ऑर्डर कर रहे हैं और हम यहाँ पे जाके आपको अगर ये पैरासीटामोल चाहिए तो हम यहाँ से आपको सेल कर रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे। हम वही काम कर रहे हैं जो स्विगी एप्लीकेशन है ना काम करता है। क्या करता है स्विगी, यहाँ पे एक एज अ मीडिएटर है, यहाँ पे आपको होटल हो गया और यहाँ पे आप है, तो आपको अगर जी कुछ बिरयानी खाना है तो आपने यहाँ से ऑर्डर किया स्विगी को, स्विगी क्या करेगा यहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस यहाँ करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से कनेक्शन बनाएगा और डिलीवरी दे देगा आपको। तो इसी तरह का मेडिसिन ड्रग्स वाले जितने भी है ना, ये लोग भी ई फार्मेसी कंपनी, ये भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हुए जो दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो ये सब बात हुआ, इसके अलावा और कुछ इसमें खास नहीं था। तो अभी बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इसे हम इम्पोर्टेंट एक्ट वाले सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ये क्यों था न्यूज में, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक बहुत ही मतलब अपना एक एक एक्सप्रेशन सामने लेके आया कि ये जो रायटिंग और ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे रिलेटेड वो बहुत बड़ा दुखद अपना बयान देते हुए कह रहे हैं कि इंडिया को ये जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है, इनको एक बहुत ही अच्छी तरह से डील करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि डिस्पाइट इतना सारा लॉ है इस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, फिर भी इतने सारे रायट्स और इतने सारे वैंडलिज्म और ये सब कैसे हो पा रहे हैं, तो ये सबसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अपना दुख व्यक्त किया सबके सामने, ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे। तो अब जानते हैं कि ये जो इतने सारे एक्ट है, इसमें से ये जो सबसे बड़ा एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये आखिर है क्या, ठीक है। तो इसमें ये एक्चुअली क्या है, ये क्या करता है, पनिश करता है वो भी वो उन लोगों को जो कि इस तरह का काम, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको ये पनिश करने का इस एक्ट के तहत दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लगभग 5 साल का जेल या 5 साल का जेल के साथ फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज इस एक्ट के तहत बोला जा रहा है। उसके अलावा एक और बात है कि इस एक्ट के तहत ना पब्लिक प्रॉपर्टी जो जो इंक्लूड किया गया है, जिसको उस उन सारी चीज को अगर यदि आप डैमेज कर रहे हैं तो आपको जो बोला जा रहा है ना कि ये सजा होगा, तो इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या रखा गया है, तो कोई भी बिल्डिंग जो कि इंस्टॉलेशन और अदर प्रॉपर्टी यूज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर लाइट पावर एंड एनर्जी, ठीक है, ये सारे चीज हो जाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके अलावा एनी ऑयल इंस्टॉलेशन या आपको सीवेज वर्क्स, मतलब कुछ भी जो पब्लिक लोगों के लिए जो होते हैं ना कि 2 या 4 लोगों से ज्यादा के लिए उनको यूज करेंगे वो चीज, जैसे टेलीकम्युनिकेशन या कोई बिल्डिंग हुआ या कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी जो कि काफी ज्यादा मास लोगों को यूज के आता है, उनका अगर आप नुकसान करते हैं तो वो आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा, वो भी 5 साल या उसके 5 साल के साथ फाइन भी रहेगा, ठीक है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुओ मोटू कॉग्निजेंस दिखाते हुए बोला था कि ऑन द इश्यू ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज डिस्ट्रक्शन एंड सेट अप 2 कमिटीज टू सजेस्ट चेंजेस टू द लॉ, ठीक है। तो ये जो एक्ट था ना, इस एक्ट से रिलेटेड कुछ चेंज लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर दिखाते हुए बोला कि जो एक 2 कमेटी का गठन करने के लिए बोला ताकि इससे रिलेटेड और ज्यादा सुधार लाया सके, ठीक है। तो ये क्या दोनों कमेटी क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला था थॉमस कमेटी, उसके अलावा है नरसिम्हन कमेटी। इसके अलावा और कुछ इस टॉपिक में उतना खास पढ़ने के लिए है नहीं, जो एक्ट था एक्ट से रिलेटेड हमने पढ़ लिया, और ये 2 कमेटी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा कुछ सजेशन दिया था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा माना भी गया, ठीक है। क्या है ये, तो ये जो थॉमस जो थे वो कौन थे, एक जस्टिस के टी थॉमस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, ठीक है।
तो उन्हीं के द्वारा इस कमिटी को हेड किया गया। उन्होंने सजेशन किया कि प्रोसिक्यूशन शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट पब्लिक प्रॉपर्टी हैड बीन डैमेज इन डायरेक्ट एक्शन कॉल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिनका भी नाम यहाँ पे आएगा, ए बी सी डी किसी का भी नाम अगर यदि आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो उनको प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा कि वो ही थे डायरेक्ट इसके में शामिल, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। तो जिस इंसान का भी नाम आएगा उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो इंसान डायरेक्टली उसमें शामिल थे। तो ये थॉमस कमेटी के द्वारा सजेशन किया गया था और ये बहुत ही अच्छे से मतलब एक्सेप्ट भी किया गया था कि जो भी इससे क्या होगा कि आप बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी हो ना एप्लीकेशन, जैसे आप सेक्सुअल वायलेंस के तरफ में क्या होता है कि आपको एक प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना उसके प्रूफ के आप ऐसे नहीं कि किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे चीज में वो आपको यहाँ पर भी बोला गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का अगर नुकसान किया गया है तो आपको प्रूफ दिखाना होगा कि ये इंसान ही इसको नुकसान पहुंचाया है, ना कि नुकसान पहुंचाया होगा ये इंसान और आप इसको अरेस्ट करके बोल रहे हैं कि ये इंसान किया है। तो आपको एक एग्जैक्ट प्रूफ दिखाना होगा, जैसे सेक्सुअल वायलेंस वगैरह का केस में जैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नरीमन कमेटी जो है ना, वो एक क्या थे, सीनियर एडवोकेट थे जिनका पूरा नाम है फली नरीमन, ठीक है। इनके मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी जो फॉर्म हुआ था, वो क्या चीज के लिए थे कि एक्सट्रैक्टिंग डैमेजेस फॉर डिस्ट्रक्शन। तो ये था डस्ट आप एक तरह से प्रूफ से रिलेटेड कि उनको भी कुछ राइट्स मिलना चाहिए जिसको आप पकड़ रहे हैं, कि उनका बिना प्रूफ का आप ऐसे ही ना पकड़ ले। दूसरा जो कमिटी था वो थे कि जो भी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ मानहानि कुछ जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, उनको नुकसान किया तो यहाँ तो प्रूफ चाहिए होगा, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अगर यदि प्रूफ साबित हो गया कि आपने ही नुकसान पहुंचाया है, तब आपको एटलीस्ट जो भी अगर यदि 2 लाख का कुछ नुकसान करा है तो 2 लाख रुपया आपसे वसूल करना है, चाहे आपका प्रॉपर्टी सेल करा के या चाहे कुछ भी करा के, ठीक है। जो कि हाल ही में अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जब ये रायट्स का बहुत सारा बड़े बड़े इश्यूज सामने आए थे, ठीक है। तो इसलिए ये फाली नरीमन कमेटी और ये जेके मतलब केटी थॉमस कमेटी, ये दोनों को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, एटलीस्ट अपने मेंस एग्जामिनेशन में तो आपको ये इंपॉर्टेंट आ ही जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर आप कोट कर दे तो आपको प्लस से 2 या 3-4 मार्क्स ऐसे ही मिलने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन को हम इंपॉर्टेंट एक्ट वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों क्यों इसको भी लिख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ हम इससे रिलेटेड एक्ट पढ़ेंगे, जो कि हमें एक्ट नहीं वो एक कोड है, जो पार्लियामेंट का कोड होता है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हाल ही में अभी क्या हुआ था कि जो स्मृति ईरानी जी है ना, जो कि हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाने की बात उठी, ठीक है। और उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ ब्रिज किया है, जैसे कि उन्होंने क्या किया, बोला उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो बोला गया कि उन्होंने मिसलीड किया है पार्लियामेंट को, और किसके किस इशू पे, तो जो सुसाइड हुआ था ना दलित स्कॉलर रोहित वेमुला, उनके ऊपर कुछ मिसलीड किया है पार्लियामेंट को, जिसके लिए उनको बोला जा रहा है कि आप मतलब पार्लियामेंट का ब्रिज मतलब प्रिविलेज मोशन के अगेंस्ट उनको ये उन्होंने गलत यूज किया है, ठीक है। अपने अपने जो प्रिविलेज है मिला है उनको एज एमपी, उनका उन्होंने गलत ये किया है और पार्लियामेंट के रूल्स का उन्होंने उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ये ब्रिज ऑफ प्रिविलेजेस क्या है, जो कि स्मृति ईरानी जी ने उल्लंघन किया है अपोजिशन पार्टी के मुताबिक, तो ये क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है, कुछ राइट्स है जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको मिलता है, ताकि वो अच्छे तरह से अपना इफेक्टिवली अपने सारे काम को अच्छे से कर सके, ठीक है, इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन। बट जब कुछ ऐसा राइट्स या इम्यूनिटीज वो लेते हुए कुछ ऐसा ऑफेंस कर लेते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा, और वो पनिशेबल किसके अंदर होंगे, तो लॉ ऑफ पार्लियामेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आईपीसी का आप लॉ यहाँ लगा दीजिए या सीआरपीसी, ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट का ब्रीच हुआ और किसी चीज का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद क्या होता है, एक नोटिस मूव किया जाता है मोशन के फॉर्म में, उसके अलावा वो किसी भी या तो राज्यसभा या तो लोकसभा कहीं भी वो यूज मतलब इनिशिएट किया जा सकता है। उसके बाद कुछ प्रोसेस फॉलो होगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वो जब मोशन जब ये निकाला जाता है ना, तब जो भी या तो लोकसभा में है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन, इन दोनों का सबसे पहला लेवल ऑफ स्क्रूटनी करना होगा, मतलब छानबीन करना होगा, तहकीकात करना होगा कि जो भी प्रिविलेज निकाला गया है, मतलब ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का इल्जाम, तो वो आगे पहले स्क्रूटनी करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद अगर वो कन्फर्म होते हैं, तब एक वो प्रिविलेज कमिटी का गठन करेंगे, जो कि उनको वो सौंप देंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि आप इसके ऊपर फाइनलाइज करिए कि क्या इसमें रिपोर्ट है, आप मुझे रिपोर्ट बताइए, फिर हम आगे का हम स्टेप लेंगे, ठीक है।
इसके अलावा ये जो रूल जो कि गवर्न करेगा ना प्रिविलेज से रिलेटेड पार्लियामेंट, जैसे मैंने हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो वो कौन कौन सा रूल है, ये है रूल नंबर 222, इसी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाले में आपको लिखने बोला इस टॉपिक को, ठीक है। रूल नंबर 222 जो है वो चैप्टर 20 का लोकसभा रूल बुक में है। इसके अलावा रूल 187 जो कि चैप्टर 16 राज्यसभा के रूल बुक में है। तो ये दोनों ही क्या करता है, ब्रिच ऑफ प्रिविलेज से रिलेटेड का आपको पावर बताता है कि ये सारी चीज को अगर आप फॉलो नहीं करें तो आप ब्रिच ऑफ प्रिविलेज का जो रूल्स है वो आपको यहाँ पे रूल नंबर 222 और रूल 187 में है, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड कुछ अगर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा इसके अप्स एंड डाउन, तो ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक्सटेंड करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उन पर्सन को जो कि एंटाइटल होते हैं कि अपना हाउस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड या कमिटी से रिलेटेड वो प्रोसीड कर सके। तो ये सिर्फ एमपीज ही नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे आपको पता होगा शायद अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उनका कुछ पावर्स है कि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, बट वो कोई भी पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है ना वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनका भी वहाँ पे कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है जो वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ना ये प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो प्रिविलेज है ना वो कहाँ से मिलता है उनको, आर्टिकल 361 से, जबकि प्रेसिडेंट क्या है पार्लियामेंट का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, बट उनको ये प्रिविलेज का पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उनको नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 105 जो है ना वो क्या करता है, दो प्रिविलेजेस मेंशन है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, ये इसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो खास बात है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि 1908 में, ठीक है, आप मतलब अपार्ट फ्रॉम द प्रिविलेजेस उसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ना जो 1908 का है वो क्या प्रोवाइड करता है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए ये सारे जो भी कोड थे ना ये सब थे पार्लियामेंट लॉ से रिलेटेड थे। अब कोड सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर से रिलेटेड जो कि 1908 का है उनके तहत क्या है, उनको अरेस्ट या डिटेंशन होने से भी बता रहा है अगर उनको उनके ऊपर मतलब किसी एमपी के ऊपर अगर सिविल का कोई केस अगर दिया ना, कोई मान लीजिए फ्रॉड से रिलेटेड या रॉबरी से रिलेटेड ऐसा कुछ अगर आता है ना, तब वैसे सिचुएशन में उनको एक प्रिविलेज यहाँ पर ये मिल रहा है एज एमपी होने के नाते कि जिस दिन होगा उस दिन से 40 दिन के बाद और 40 दिन से पहले का कोई भी उन पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रूल पे है जिसका इंपॉर्टेंट हमारे पूरे कंट्री के लिए है, तो इसलिए उनको किसी तरह का डिस्टरबेंस ना दे, उनको अपना पावर और उनका काम उनको अच्छे से करने दे। जब वो एक टर्म पूरा कर रहे हैं अपना 40 दिन कंप्लीट होगा उसके बाद लिया जा सकता है, बट हाँ अगर कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुआ या अगर किसी किसी एमपी ने किसी को मार दिया है तब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड कुछ नहीं है, वैसा उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिला जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके रिलेटेड कुछ और हल्का फुल्का जान लेते हैं जो कि बस आपको एक तरह कह सकते हो स्टैटिक पार्टी है, कि बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि स्पेशल लॉ बनाया जाए इस सारे प्रिविलेजेस को एक जगह करके, ठीक है। ये सारे आपने देखा कोर्ट तो देख लिया आपने, बट पार्लियामेंट में कहीं भी अभी तक एक कोई स्पेशल लॉ नहीं बना है जो कि कोडिफाई करेगा सारा प्रिविलेजेस को। तो ये एक थोड़ा मतलब बात है जो कि आपको एज अ हो सकता है कि बोल देगा कि टिल नाउ जो दिया ना कि बोल देगा कि 2 साल पहले ही बनाया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और प्रिविलेज कमिटी जो होता है ना वो एक स्टैंडिंग कमिटी होता है, जैसे कि मैंने बोला कि या तो चेयरमैन या तो स्पीकर जब स्क्रूटिनाइज पूरी तरह से कर लेंगे तब उसके बाद क्या करते हैं, उन्होंने एक एक प्रिविलेज कमिटी का गठन करते हैं। तो वह प्रिविलेज कमिटी एक स्टैंडिंग कमिटी होता है जो कि एग्जामिन करेगा सारे चीज को, उसके बाद फिर वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए रिकमेंड करेंगे किसको, स्पीकर को और या तो चेयरमैन को, ठीक है। जो ये प्रिविलेज कमेटी होता है ना इसमें लोकसभा के 15 मेंबर होंगे, ठीक है, और राज्यसभा के 10 मेंबर, यानी टोटल 25 मेंबर होते हैं इस प्रिविलेज कमेटी के, ठीक है। चलिए शुरू करते, अब से बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक जो कि है ईट राइट मूवमेंट कैंपेन। तो ईट राइट मूवमेंट कैंपेन है ना इसे हम स्टेट से न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हाल ही में जो है ना वेस्टर्न रेलवे का जो मुंबई सेंट्रल टर्मिनस है ना उनको वो क्या बन गया, इंडिया का पहला ईट राइट स्टेशन, ठीक है। और ये किनके द्वारा ये किया गया है, स्टेटस इनको दिया गया है, तो FSSAI है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके द्वारा 4-स्टार रेटिंग दिया गया है इस मुंबई सेंट्रल टर्मिनस स्टेशन को, जिससे वो क्या हो गया पहले बन गए हैं जो कि ईट राइट स्टेशन है, ठीक है। तो इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये स्टेशन में क्या रखा गया है कि जितने भी फूड सेफ्टी और हाइजीन से रिलेटेड का ख्याल रखा गया है, सारे हेल्दी डाइट फूड रखने का यहाँ पे प्रबंध किया गया है,
उसके अलावा फूड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी है ना, वो सब भी बहुत अच्छे से यहाँ स्टेशन में किया गया है। तब इन्हें जाके इनको 4 स्टार रेटिंग FSSAI के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा ये जो इसमें ये गया, द फूड वाज सर्टिफाइड एंड रेटेड आफ्टर थॉरो इंस्पेक्शन। यहाँ पे थॉरो इंस्पेक्शन होने के बाद ही इस तरह का रेटिंग दिया गया है। उसके अलावा ये ईट राइट स्टेशन है, ये किसका पार्ट है? एक ईट राइट इंडिया जो इनिशिएटिव निकाला गया था ना FSSAI का 2018 में, उसी का ही ये पार्ट है ईट राइट स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा ईट राइट मूवमेंट जो चला गया था उससे रिलेटेड बोला जा रहा है कि ये लॉन्च किया गया था FSSAI के द्वारा। उसमें फिर से बोला गया कि उनको कट डाउन करना है सॉल्ट और शुगर या और ऑयल का कंजप्शन लगभग 30% अगले 3 साल में। तो ये चीज से रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ा है, तो चलिए और एक ईट राइट मूवमेंट के बारे में तो हमने पहले पढ़ा ही था, तो इसमें आप एक और रिविजन हो गया ये पॉइंट आपका कि 30% लगभग हमारा नमक, तेल और चीनी, ये तीनों लगभग हमें 30% अगले 3 साल में रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें मेजर से रिलेटेड जो FSSAI का बात है कि FSSAI ने पुट किया है कि लगभग रॉबस्ट रेगुलेटरी मेजर्स जो कि 3 पिलर पे स्पेशली काम करेगा, ताकि जैसे हम लोग ईट राइट मूवमेंट को अच्छे फेज में लेके जाए, वह ईट सेफ, ईट हेल्थ एंड ईट सस्टेनेबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा FSSAI ने जो टोटल पोलर कंपाउंड्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये लगभग 25% कुकिंग का जैसी हो उसके बाद उनको रीयूज नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बोल भी दिया था। तब ना हमने रूको इनिशिएटिव कितने बार अच्छे से पढ़ा भी था, इनका क्वेश्चंस भी पढ़ा है, इनको इतने बार टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, तो एक और बार यहाँ पे इस पॉइंट में भी आ गया, ध्यान दीजिएगा 25% है, जो कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, याद होगा आपको कि 50% ऐसा दिया हुआ है क्या, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बेसिक सा, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ जैसे 30% दिया 3 साल का, ये यहाँ का मेन कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ वेल मतलब जो भी ओल्ड एज होम से रिलेटेड है, ये उस टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं इसको भी। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसे अप्रूव कर दिया ये अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। ये क्या था, ये बिल अमेंड कर रहा है उस बिल को जो कि 2007 में यूपीए 1 यानी कांग्रेस जो पार्टी चल रहा था उस वक्त के जो पार्ट यूपीए 1 था ना, उनके द्वारा ये लाया गया था बिल, उसी बिल को अभी अमेंड किया जा रहा है 2019 में। तो अभी तक ये बिल मतलब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था, ठीक है। इस बिल का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था वो था कि चिल्ड्रन एंड हायर्स वेल लीगली ऑप्टेन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू सीनियर सिटीजन, चाहे चिल्ड्रन बच्चे हों या हायर्स हों, उन दोनों को लीगली ऑब्लिकेटेड है कि वो प्रोवाइड करेंगे मेंटेनेंस किसका, सीनियर सिटीजन का। इसके अलावा जो भी सीनियर सिटीजन होंगे ना, जिनको जो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, उनको राइट टू अप्लाई टू अ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सीकिंग, मतलब एक मेंटेनेंस का ट्रिब्यूनल बनाना होगा, ताकि अगर उनका ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है तो उनको एक मंथली अलाउंस उनके चिल्ड्रेन से मिलना चाहिए, जिसके लिए वो अपने इस ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सके, ठीक है। उसके बाद एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है ना, वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना चाहिए, ऐसा इस बिल में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बिल है ना, अगर आप मतलब किसी के पेरेंट्स, अगर किसी के बच्चे अगर पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तब तो पहला बात उनको ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तब तो उनको कुछ अमाउंट उनको देना पड़ेगा उनका ख्याल रखने के लिए, उनका खर्च के लिए, खर्च के तौर पे। उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि ये बिल में ये भी दिया कि मिनिमम 10,000 का कैपिंग भी दे दिया, अमाउंट तो देना है तो पर ऐसा नहीं 2,000 3,000, 10,000 मिनिमम देना होगा, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और अगर वो देने से मुकरते हैं तो उनको 5,000 का फाइन और 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है, या दोनों ही हो सकता है। तो ये सारे चीज इस बिल के तहत बहुत ही अच्छा स्टेप लाया जा रहा है गवर्नमेंट का, उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द पास होके और एक्टिव वे में काम करना भी शुरू कर जाए, ठीक है। अगला टॉपिक है रिकमेंडेड डायट्री अलायंस, ये RDA, इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि लेबोरेटरी एनालिसिस ने ये देखा कि मोस्ट पैकेज और फास्ट फूड आइटम्स जो है ना, जो कि इंडिया में सोल्ड हो रहे हैं, उनके में देखा गया कि बहुत ही हाई सॉल्ट और फैट कंटेंट पाया जा रहा है, जो कि FSSAI का मतलब द्वारा ही एक वायलेशन का एक ये किया है, ठीक है। जो कि FSSAI जितना थ्रेसोल्ट रखे थे ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो अभी RDA है ना, इसके तहत पता चला है कि ये सॉल्ट और नमक मतलब नमक और फैट का मात्रा ना काफी ज्यादा है, जितना FSSAI ने फिक्स किया था उससे बहुत ज्यादा है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको थोड़ा कीवर्ड हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड। तो और क्या बोल रहा है आगे कि ये जो रिजल्ट है ना, ये क्या दिखा रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट ऑल द फूड CSE टेस्टेड किया सबसे पहली बार। उसके अलावा कंपनीज हैव अंडर रिपोर्टेड द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स इन देयर
प्रोडक्ट्स मतलब जितना होना चाहिए था ना उसे बहुत कम वो रिपोर्ट में किए थे, बट ये जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया ना तो वो FSSAI के बहुत ही ज्यादा उसके सेचुरेशन पॉइंट से आगे था। ठीक है, अब ये जानते हैं कि RDA है क्या। तो RDA है, इट इज यूज टू अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ एनी न्यूट्रिएंट मतलब सॉल्ट शुगर और फैट शुड बी कंज्यूम फ्रॉम फ्रॉम डिफरेंट मील्स। मतलब ये RDA का मतलब है रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। ये क्या हो गया कि आपको कितना दिन भर में खाना लेना मतलब खाना किस तरह का खाना लेना चाहिए, किस तरह का लंच और डिनर करना चाहिए जो कि आपके लिए एकदम प्रॉपर न्यूट्रिएंट उससे आपको बॉडी को मिल सके। तो ये एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, इसी को कहें। ठीक है, स्पेशली ये जो इन्फ्लुएंस किया गया है ना किससे हुआ कि जैसे आपको पता होगा कि मेल और फीमेल में जो आपको न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो डिफर करता है, तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए इस तरह का RDA मतलब ये अलाउंस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाइल्डहुड में है उसमें वो ताकि उनको ग्रोथ का रिलेटेड भी ध्यान देना है। देखिए जो बड़े लोग हैं उनको ग्रोथ से रिलेटेड तो सोचना नहीं है, बट उनको हेल्दी रहने के लिए उस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए। बट जो चाइल्डहुड है बच्चे हैं उनको तो ग्रोथ से रिलेटेड का भी न्यूट्रिएंट चाहिए, हेल्दी रिलेटेड भी न्यूट्रिएंट चाहिए उनको, और कैसे कि डिफरेंट टाइप का ग्रोथ होता है उनके बॉडी में उससे रिलेटेड भी चाहिए वो सब। तो ये सब बात को लेके यहाँ पे बोला जा रहा है कि RDA को उसी हिसाब से मतलब ये इन्फ्लुएंस होके बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ये भी बात बोल रहा है कि जो बॉडी वेट से रिलेटेड है कि कुछ एडल्ट है ना उनको क्या है बॉडी वेट के और साइज के हिसाब से उनको चाहिए क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स है उनको भी उनके हिसाब से उनका जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का उनको लेवल का ये चाहिए। ठीक है, कि उस हिसाब से न्यूट्रिएंट वो अपने बॉडी को दे सके। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड भी जो जैसा फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको न्यूट्रिएंट्स का मतलब सब मिला के बात है कि एक प्रॉपर आपका डाइट कैसे करके होना चाहिए उसका अलाउंस आपको अच्छे तरीके से करना होगा, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एक डायग्राम से देख रहे देखिए ये बच्चे का हालत क्या हाल है, इतना हेल्दी है अभी और ये बीमारियों का घर है एक तरह से। ठीक है, आप ये जो नॉर्मल आप दिन आप जो दिनचर्या में खाते रहते हैं ना बाहर का, देखिए चिप्स ब्रांड जो भी होता है ना उनमें मिनिमम सॉल्ट होता है 2.4 times RDA से, मतलब जो आप नॉर्मल चिप्स खाते हैं उसमें जो नमक का मात्रा है वो RDA में जितना दिया गया है उससे 2.4 times ज्यादा है, ये बताइए। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला गया कि आप मिनिमम फैट जो होना चाहिए ना वो भी 2.1 times ज्यादा है। तो ये सब सिर्फ सोचिए एक सिर्फ चिप्स का ब्रांड का ये हाल है, और आप तो फिर नमकीन ब्रांड फिर और भी बहुत सारी चीज जो खाते हैं जिसमें सोचिए कितना ज्यादा ज्यादा मात्रा में नमक से लेके फैट से लेके बहुत कुछ है जो कि हम लोग दिन में दिन भर कितना खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एक आपको डाइटरी अलाउंस के हिसाब से बताया जा रहा है। अगला टॉपिक है बोगेनविले एंड नेशनहुड। ये बोगेनविले जो है बोगेनविले ये एक कंट्री का नाम दिया जा रहा है, एक कंट्री बनना चाह रहा है इसलिए इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में हम लिखेंगे। तो ये है क्या, ये एक आइलैंड है पैसिफिक में। ठीक है, पैसिफिक ओशन में ये एक आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ के लोगों ने एक रेफरेंडम किया, रेफरेंडम मतलब जैसे वहाँ के लोग 100 लोग हैं तो 100 लोग ने कुछ वोट किया और उन्होंने कहा कि हम ना पापिया न्यू गिनिया जो है ना कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल है, तो उनके द्वारा उन्हीं के अंदर में एक ये आइलैंड था बोगेनविला आइलैंड, वो बोल रहे हैं कि हम इस ये जो पापुआ न्यू गिनिया है ना इनके साथ हम नहीं रहना चाह रहे, हम एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाह रहे। तो इसलिए उन वहाँ के लोग ने आपस में ही रेफरेंडम किया और उन्होंने अपना फाइनलाइज किया कि हम अब इनके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कैसे कोई टेरिटरी एक नया कंट्री बन सकता है, तो ऐसा कोई नो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है। ठीक है, बट ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि कैसे कैसे करके वो लोग फॉलो कर रहे हैं और कौन से इंटरनेशनल बॉडी उनके साथ अटैच है या जो उनके पेरेंट बॉडी है ना जैसे ये पापुआ न्यू गिनिया ये किस तरह का नॉर्म्स रखे हुए हैं। जैसे चाइना और हांगकांग और से रिलेटेड जो इशू चल रहा है, चाइना ताइवान से रिलेटेड इशू चल रहा है, उसी तरह का ये डिपेंड करता है कि पापुआ न्यू गिनिया है ये इंटरनेशनल जो उनका पेरेंट बॉडी है वो किस हिसाब से यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से रिलेटेड जो इशू था है ना, इसके अलावा जो बिगेस्ट सैंक्शन कब किसी को इंटरनेशनल बॉडी का मतलब कंट्री का दर्जा दे सकता है, इजीली वो रेफरेंडम करा के अप्रोच कर सकता है जब यूनाइटेड नेशन भी उसको सपोर्ट कर दे कि हाँ आप एक सिंगल कंट्री बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए ना जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जब इशू आया था तो पाकिस्तान सबसे पहले दौर के यूनाइटेड नेशन के पास गया था, तो पर लेकिन वहाँ पे उनको मुँह के खाने पड़े थे क्योंकि उन्होंने हमारा ही एक बोला कि ये इंडिया का और आपका इंटीग्रल पार्ट है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट यहाँ पे खुद के लोग ही रेफरेंडम करा लिए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम एक अपना अलग कंट्री चाहते हैं। इसके अलावा UN रिकॉग्निशन तो मैटर करता ही है
क्यों? क्योंकि अगर यूएन रिकॉग्निशन कर दिया ना, तो आप वर्ल्ड बैंक के इजीली मेंबर बन जाएंगे, आईएमएफ का बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अपना करेंसी भी आप रख सकते हैं। तो ये सब चीज जब होने लगेगा, तो एक तरह से तो आप इंडिपेंडेंट हो गया ना, तब ऐसे सिचुएशन में आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं। तो यानी सब मिला के यूनाइटेड नेशन का मंजूरी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और बात है कि 1933 का एक मोंटेवीडियो कन्वेंशन है, उसके तहत बोला जा रहा है कि ए रीजन वॉन्टिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, अगर कोई रीजन अगर अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है, तो उनको चार क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, ठीक है। वो चार क्राइटेरिया कौन कौन बोला जा रहा है? जैसे कि उनके पास एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, मतलब एक कोई डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनके लोग तो होने ही चाहिए, गवर्नमेंट भी होना चाहिए। उसके अलावा एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप विद कंट्रीज, मतलब उनका एबिलिटी होना चाहिए कि उनके जो पड़ोसी कंट्री है या और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके साथ वो अच्छा रिलेशन बना सके, तब जाके वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री या नेशनहुड बन सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलियाज पॉइंट बेस्ड वीजा पॉलिसी, इसे हम इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो का जो पॉइंट बेस्ड वीजा पॉलिसी है ना, इसको यूनाइटेड किंगडम ने अब फॉलो करने का सोच लिया है, ठीक है। ये क्या था न्यूज में कि ये देखा गया कि एफर्ट दिया गया है ताकि एंट्री ब्लॉक कर सके अनस्किल्ड पीपल को, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, जो कि बोरिस जॉनसन वहां के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये पॉलिसी लाने का सोचा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी चल रहा है। तो उस पॉलिसी को यूके में भी लाने का सोचा, ताकि हम जो अनस्किल्ड पीपल है उनको ब्लॉक कर सके, ऐसा यूनाइटेड किंगडम का सोचना था, ठीक है। तो वो कब से वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? तो January 1, 2021 के बाद वो इस तरह का ऑस्ट्रेलिया पॉइंट बेस्ड वीजा देने का वो उन्होंने सोचा है, ठीक है। ये अब ये जानते हैं कि ये पॉइंट बेस्ड जो पॉलिसी है, ये है क्या आखिर और ये कैसे काम करता है? तो जनरली जो वीजा मिलता है ना, वो कैसे बोलते हैं, पॉइंट टेस्टेड हिसाब से मिलता है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रहता है, ठीक है। Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, जिसमें Tier 2 और Tier 5 जो ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके हिसाब से कैसे रहता है कि वो आपको जो भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो कितने दिन के लिए आते हैं, वो सारी चीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी वर्कर जो कि एलिजिबल है स्किल्ड ऑक्यूपेशन के लिए, तो उनको 10 कैटेगरी ऑफ वीजा मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा उनको ये भी बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेंट्स होंगे आर टेस्टेड विद पॉइंट्स अवार्ड इन वेरियस कैटेगरी, जो कि वन ऑफ दिस हो गए स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा, जो कि इसी का बात यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि माइग्रेंट विद अ वीजा कैन लिव एंड वर्क परमानेंटली एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है कि माइग्रेंट जो होता है ना, ये ऑस्ट्रेलिया पॉइंट वीजा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी ऑस्ट्रेलिया पॉइंट वीजा को ही ना यूके कॉमन लाने का सोच रहे हैं, तो हम इनको ही इस वीजा के बारे में अच्छे से जानते हैं। बोल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि अगर किसी के पास ये वीजा अगर स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा है ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया का किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और अपना या तो जॉब कर सकते हैं, वो परमानेंटली रह सकते हैं, वो फिर उसके बाद सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर सकते हैं, तो वो किसी भी चीज में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज कब हो सकता है इस तरह का चीज? तो जब या तो वो एक्सपर्ट हो, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट, एक्टर, एयर कंडीशनिंग, ये सारे चीज आप देख पा रहे होंगे, ये सारे चीज हो ना, तो वो आसानी से स्किल्ड जॉब से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में इजिली ले सकते हैं और वहां पे उनको ये सब चीज राइट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस पॉइंट सिस्टम का। इससे क्या होगा कि जो भी स्पॉन्सर है ना, वर्किंग एंटरिंग अंडर द ऑस्ट्रेलियन पॉइंट सिस्टम आर लेस डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसका जो एडवांटेजेस और जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत कुछ ज्यादातर एक तरह से मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने मान लीजिए ये कुछ सेट ऑफ रूल्स रखा है अपनी वीजा को पाने के लिए, स्किल्ड लेबर को आने के लिए, ठीक है। उन्होंने ये रखा है, ठीक है, उन्होंने रखा है सर्कल ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में। बट इससे क्या होगा, जैसे ये सब चीज फुलफिल हुआ तो वो आसानी से आएंगे, तब यहाँ के जो भी जो कंपनीज होंगे ना, उन्होंने पहले ही, कुछ कंपनीज तो ऐसे ही सोचेंगे कि जब ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होकर आया है, तो वो ज्यादा कुछ पूछपाछ नहीं करेंगे, वो आएंगे और फटाक से जो भी होगा उनको काम दे देंगे, जो भी फील्ड में वो एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट सारा चीज चेक करके आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उनको कुछ बार्गेनिंग या कुछ ऐसा नहीं करना होगा, वहां से जो भी स्किल्ड लेबर आएंगे या कोई भी आएंगे, वो आसानी से उनको इजिली जॉब मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका पॉजिटिव बात। बट इसका जो क्रिटिसिज्म किया गया है कि मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस ये क्राइटेरिया रखा, ये सर्किल एक क्राइटेरिया रखा, इसी के अंदर जो जो चीज होगा अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो आप ऑस्ट्रेलिया में वीजा मिल जाएगा। बट ये सर्किल क्राइटेरिया रखा ना, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो कंपनी से तो पूछा ही नहीं कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो वो कुछ और करके आए, और कंपनी को चाहिए था स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये रेक्टेंगल बन गया, कंपनी को चाहिए था रेक्टेंगल क्राइटेरिया,
तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं पर ये तो जॉब ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कंपनी को जो चाहिए था वो तो है ही नहीं। भले ही वो वीजा लेके आ गए, कंपनी को ये मिला नहीं, तो उस सिचुएशन क्या होगा, नहीं होगा। कुछ कंपनी जो कि डायरेक्टली सोच लेते हैं कि उनको जो जो चीज़ चाहिए था वो इजिली उनको मिल पर, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करके दिया गया है, तो आसानी से वो ले लेंगे, और कुछ जगह में यहाँ पे नहीं भी लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बर्डन एक तरह से पूरा गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ते चला जाएगा कि वहाँ पे स्किल्ड है कि नहीं, एम्प्लॉयबल है कि नहीं, वहाँ पे जॉब मिला है कि नहीं, ये सब चीज़ पता नहीं हो पाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो ये ASESG जो है ना, इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो IUCN है ना, इनका 10th एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, जो कि मीटिंग हाल ही में कहाँ हुआ, कोटा किनाबालू इन सबा, जो कि मलेशिया में है। ठीक है, तो इनका एक IUCN का एक एशियन एलिफेंट से रिलेटेड एक ग्रुप है, उसका मीटिंग हो गया है। तो इसमें ना लगभग 130 एलिफेंट कंजर्वेशनिस्ट और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एक्सपर्ट के साथ मिले थे और मीटिंग किए थे। ठीक है, और वहाँ पे जो इश्यूज जो डिस्कस हुआ वो क्या है, कैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन हम कर सके, वो भी एशियन एलिफेंट रेंज स्टेट्स में, जो भी है ना, जो भी हमारे एशियन एलिफेंट जहाँ पर जो मिल रहे हैं, वो सारे स्टेट में कैसे ये कंजर्वेशन से रिलेटेड स्टार्ट कर सके। उसके अलावा कैसे, किस मैकेनिज्म टू इन्वॉल्व ग्रुप मेंबर्स इन मॉनिटरिंग एंड द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, कैसे ये सब भी हम मॉनिटरिंग भी कर सके, ये सब चीज़ भी यहाँ पे इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये सब हुआ कंजर्वेशन से रिलेटेड, और इसका ये कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में हुआ था, 130 एलिफेंट कंजर्वेशनिस्ट मिले भी थे। तो ये सब तो कुछ इसका बेसिक पार्ट हो गया। कुछ अब ए जो ASECSG है ना, ESG, इससे रिलेटेड जान देते हैं कि ये तो बोला गया कि हाँ ये IUCN का ये मेंबर है। ठीक है, IUCN का पार्ट है, पर ये क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्पेशलिस्ट है, जहाँ पे साइंटिस्ट भी है, नॉन साइंटिस्ट भी है, वो कंसर्न करते हैं स्टडी, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट, वो भी किसी एशियन एलिफेंट से रिलेटेड। और एशियन एलिफेंट को ना एलिफास मैक्सिमस से रिलेटेड, मतलब कैसे करके, ये भी है, ये भी बोला जाता है। ठीक है, और ये ASESG जो ना, ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, स्पेशल सर्वाइवल कमीशन SSC का। ठीक है, ये SSC है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मत समझ लीजिएगा, ये SSC का एक इंटीग्रल पार्ट है उसमें, जो कि IUCN का एक पार्ट है। ठीक है, IUCN का एक हो गया SSCN, SSC, और SSC ही का ही एक AESG एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, गजा बोल के एक बाय एनुअल जर्नल भी है, जो कि इनके द्वारा, हाँ, मतलब बाय एनुअल मतलब आपको साल में जिस तरह 2 बार होता है ना, उस तरह का ये निकालते हैं। ठीक है, एनुअल हो गया मतलब साल पे साल, और बाय एनुअल हो गया मतलब आपको 2 साल में ऐसे करके निकालने का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस। तो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस से रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं क्या था न्यूज में। तो हाल ही में इसका 36 एडिशन जो मार्च 2020 में होने वाला है, ये अब धीरे धीरे इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है, इसके लिए जुड़ गए हैं, बट ये मार्च में ठीक से हो नहीं पाया था इससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूज था दिसंबर से रिलेटेड, बट ये मार्च में इस कोरोना की वजह से ये ठीक से हो नहीं पाया था, जियोलॉजिकल कांग्रेस। ठीक है, इससे क्या होता है कि इंडिया एक ओनली एशियन कंट्री बन जाता है जो कि इस इवेंट को ट्वाइस सेलिब्रेट किया था। ठीक है, पहला इंडिया ने 1964 में किया था। ठीक है, उसके अलावा इसमें टोटल लगभग आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, यही इसका नोडल एजेंसी बनता। इसके अलावा इसको मेनली जो है ना, इसको पॉपुलर डिस्क्राइब किया जाता है ओलंपिक ऑफ जियो साइंस से बोल के। ठीक है, और ये ना हर 4 साल में होता है, इसीलिए ना 64 में होने के बाद अभी हम लोग दूसरा बार इसे हम होस्ट करने वाले थे, बट अभी ये हो नहीं पाया है। ये मतलब कुछ डिजिटाइज वे में जस्ट हम लोग सजेशन और ये करके रह गए, बट अभी तक ये कोरोना सिचुएशन की वजह से ठीक से हो नहीं पाया। ठीक है, इसके अलावा ये इंडियन ऑयल डेवलप्स विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख। ठीक है, इंडियन ऑयल ने विंटर ग्रेड से रिलेटेड, मतलब विंटर के समय ना एक विंटर के टाइप का डीजल एक निकाला। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसमें बोला जा रहा है कि जो अब ठंडी के टाइम में जो लद्दाख एरिया में ना -33 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है, तो वैसे सिचुएशन में जो नॉर्मल डीजल जो हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे में क्या होता है, वो ऐसा सॉलिडिफाई हो जाता है कि उसको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। तो उसका जो पोर पॉइंट होता है ना, पोर पॉइंट मतलब हो गया कि टेम्परेचर जो कि एकदम ऐसा नीचे चला जाता है कि वो जो लिक्विड का क्या होता है प्रॉपर्टी, वो अच्छे से फ्लो कर सके, कहीं भी आप रखोगे वो इजिली फ्लो कर पाएगा ना, तो वो उसका प्रॉपर्टी चला जाता है। इसी को कहते हैं पोर पॉइंट, जो यहाँ पे बोला गया है -33 डिग्री के नीचे जब आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लिक्विड चाहिए ना जिससे व्हीकल या जो भी डीजल इंजिन है वो सब यूज कर सके डीजल को, तो वो पोर पॉइंट को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए वो ऐसे सिचुएशन को ये डीजल को ऐसा बनाया जा रहा है
ताकि वो विंटर ग्रेड डीजल बन सके, ताकि लद्दाख जैसे एरिया में यूज किया जा सके। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। ये इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी क्या है? परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या है? इसमें जो भी बॉडी है वो कौन कौन है? आर्टिस्ट है, म्यूजिक ओनर्स है, कंपोजर्स है, लिरिसिस्ट है और पब्लिशर्स ऑफ म्यूजिक। तो ये है क्या एक्चुअली? ये रॉयलिटी से रिलेटेड है, एक तरह से पेटेंट का बात आप बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इट इज कलेक्ट रॉयलिटीज ड्यू टू आर्टिस्ट इफ देयर वर्क इज यूज एनी वेयर फ्रॉम, मान लीजिए वेडिंग में अगर गाना बज रहा है किसी आर्टिस्ट का, मान लीजिए अरिजीत सिंह का गाना बज रहा है वेडिंग में, या किसी न्यूयॉर्क के फंक्शन में बज रहा है, या रेडियो में बज रहा है, या टीवी में बज रहा है, तो कहीं पर भी अगर कुछ बज रहा है ना, तो उनसे रिलेटेड का एक कुछ उनको रॉयल्टी मिलना चाहिए इन सारे सिंगर्स को जिन्होंने इतना मेहनत किया है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये IPRS, इसको 1969 में रजिस्टर किया गया था और उसके बाद फिर री रजिस्टर किया गया कॉपीराइट सोसाइटी के नाम से 2017 में। ठीक है, इसके अलावा IPRS का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लगभग 50% ऑफ रॉयल्टी वो दे, जो भी वहाँ के जो सिंगर है या जो भी आर्टिस्ट है उनको एटलीस्ट 50% ऑफ रॉयल्टी उनको देने का हक है। ठीक है, और ये IPRS ना सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज में डील करते हैं इस कॉपीराइट एक्ट के तहत। ठीक है, और ये रॉयल्टी शेयर कैसे किया जाएगा? तो 2012 का जब अमेंडमेंट हुआ था ना ये 1957 का एक्ट को, तब उस वक्त क्या किया था कि ये जो बोला गया था कि आर्टिस्ट जो भी होंगे उनको 50% ऑफ रॉयल्टीज हर काम और हर वर्क के लिए दिया जाएगा, चाहे वो मतलब राइट जो है ना रिमेन, क्यों ना ऐसा हो कि प्रोडक्शन हाउस कोई और हो या जो म्यूजिक ब्रांड वो किसी और का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो आर्टिस्ट है उनको एटलीस्ट 50% रॉयल्टी देने का बात किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हिम विजय मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज मैं आपको एग्जैक्टली अच्छे से नहीं कराता हूँ, क्योंकि जो बेसिक है ना वो हम उतना ज्यादा क्वेश्चन आने में नहीं है, क्योंकि बेसिक वाले आपको अच्छे से पता होगा, मैं एज अ UPSC एस्पिरेंट आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ, बट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूज से रिलेटेड या कुछ खास बात है उसको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वही सारे आएंगे और आपको अगर चार ऑप्शन दिया रहेगा ना तो वो अगर आपको मेन जिसमें आपको ज्यादा कन्फ्यूज होने वाला है अगर वो आपको पता है ना, तो बाकी दो तीन जो भी जैसा भी हो आप तो उसको कैंसिल आउट करके निकाल ही पाओगे। ठीक है, हिम विजय मिलिट्री एक्सरसाइज ना इंडिया का सबसे बिगेस्ट माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज बन चुका है, जो कि फर्स्ट एवर मिलिट्री ड्रिल है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसीलिए इस तरह का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो भी अरुणाचल प्रदेश का है ना, वहाँ पे इस तरह का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो इंडियन आर्मी के द्वारा इस तरह का ड्रिल किया गया है, और वो की बिगेस्ट माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ठीक है, अगला टॉपिक है लिविंग रूट ब्रिजेस। तो लिविंग रूट ब्रिजेस को जिंग किंग जिरी भी बोला जाता है। ठीक है, ये जिंग किंग जिरी से रिलेटेड, तो ये क्या है कि एक एरियल ब्रिजेस है जो कि बिल्ड किया जाता है वेविंग और मैनुपलेटिंग जो भी रूट्स है ना उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करके वो किया जा सकता है। स्पेशली रबर ट्री होता है ना, मैं आपको उसका फोटो भी अभी थोड़ा दिखा दूंगा, तो रबर ट्री के में ये अच्छे से होता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है इस तरह का चीज, ये जो ये लिविंग रूट ब्रिजेस है? तो मेघालय में पाया जाता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मेघालय में है, क्योंकि फिर ये जो हुआ है ना ये लगभग सेंचुरीज लग जाते हैं इस तरह का ब्रिज बनने में। उसके अलावा ये स्पेशली किया जाता है, बनाया जाता है ताकि रिवर्स या जो भी पोखर या कुछ ऐसे होते हैं ना उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस तरह के ब्रिजेस, तो इसलिए ज्यादा ये न्यूज में है आपको लिविंग रूट ब्रिजेस, जिसको जिंग किंग जिरी भी बोला जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है मालाबार ट्री टूड। तो ये मालाबार ट्री टूड क्या है कि बेंगलुरु बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट है, उन्होंने क्या किया एक मतलब एक तरह से ट्रेन करना शुरू कर दी है जो भी रेसिडेंट और विलेजेस है ना वेस्टर्न घाट का, जो भी महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु में, तो उनको ट्रेन करने का एक काम कर दिए हैं एक बैंगलोर बेस्ड नॉन प्रॉफिट आपको ऑर्गेनाइजेशन ने। वो क्या करेंगे ताकि मैपिंग कर सके जितने भी एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज है ना ये मालाबार ट्री टूट के, ताकि उनको अच्छे से कंजर्व किया जा सके। तो ये मालाबार ट्री टूट है क्या, तो टोड मतलब क्या हो गया आपको, वो जो मेढक होता है ना फ्रॉग, फ्रॉग का एक अलग तरह का जो छोटा में छोटे छोटे टेडपोल्स ऐसे करके टोड हुआ, तो उसी को फ्रॉग को ही एक तरह से बोलते हैं, टोड भी नाम है। हाँ, तो ये बोला जा रहा है कि एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है एम्फीबियन एंडेमिक, जो कि एंडेमिक है घाट, ये वेस्टर्न घाट में, ये मालाबार ट्री टोड। जब एंडेमिक वाला बात आ गया तब तो आपको ध्यान देना ही होगा, क्योंकि ये IUCN के द्वारा बोला गया। तो ये महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु का जो वेस्टर्न घाट एरिया ना, वहाँ पे जितने भी विलेजेस है ना उनको ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है वो एक तरह से ट्रेन करने का काम कर रहे हैं, ताकि ये टोड को कैसे कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और ये जो क्योंकि ये MTT जहाँ पे फाउंड हो रहा है ना वो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि लगभग 179 रिकॉर्डेड एम्फीबियन स्पीसीज है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिए।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। उससे पहले ये देख लीजिए, यही है वो आपको ब्रिज, ठीक है, रूट ब्रिज जो कि मेघालय में जिस तरह है ना, एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ऐसे ब्रिज बनने में लगभग सेंचुरी लग जाते हैं, इस तरह का ब्रिज। जैसे कि आप ये नदी देख रहे हैं, इस नदी को जिस तरह से क्रॉस करने के लिए ये सब चीज यूज किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। मुझे लगा शायद और कुछ टॉपिक भी है, पर ठीक है, चलिए जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। फिर भी काफी टाइम चला ही गया। प्लीज आप लोग रिवीजन करते रहिए, जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा। और जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए सोल्यूशन जरूर से जरूर लेके आऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।